अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हालचाल है आपको। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ आरिफ ग्रीन सिटी में, और मैं यहाँ पर आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर भी आपको 80 गज़ के 120 गज़ के प्लॉट मिलेंगे, वो भी भाई बहुत ही ज़बरदस्त और मुनासिब कीमत में, और साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट भी मिलेंगे। तो तलब भाई हैं यहाँ पर, इनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पर सोसाइटी में क्या क्या काम हुआ हुआ है, सोसाइटी के अंदर क्या क्या अमेनिटीज़ हैं, इसका जो लीगल स्टेटस है वो क्या है, ये सारी चीज़ें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है तलाब भाई, खैरियत से? रिजवान भाई, अल्लाह का शुक्र है, आपका। अच्छा तलाब भाई, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये सोसाइटी लोकेटेड कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ है? सर इसकी लोकेशन बहुत सिंपल है। हाँ। ये आपका रोड अप्रूव है पोस्टल हाईवे के नाम से। सही। उस रोड के ऊपर इसका मेन गेट है। सही। और इब्राहिम हैदरी से भी इसका रास्ता आता है। ठीक है। पी एफ से क्रॉसिंग से भी इसका रास्ता, रोड बैक का रोड बिल्कुल सीधा आता है। कुरंगी 5 नंबर से भी इसका रास्ता। ठीक है। तो यहाँ पर भी इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट मिल जाएंगे? सर इंस्टॉलमेंट पे फिल वक्त अभी हम दे रहे हैं, यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट पे भी दे रहे हैं। 40 गज का प्लॉट भी अवेलेबल है, 80 गज का भी प्लॉट अवेलेबल है, 60 गज के प्लॉट अवेलेबल है, 120 गज के कमर्शियल भी अवेलेबल है। ठीक है। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको आगे जो है दिखाएंगे कि भाई अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको कितने का मिलेगा, उसकी डाउन पेमेंट कितनी है, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, और मजीद सोसाइटी में क्या क्या डेवलपमेंट का काम हो चुका है, तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में गाइड करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, तलाबाई से जो है सारी सोसाइटी की डिटेल लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा तलाब भाई, ये बताएं कि सबसे पहले सोसाइटी की जो टोटल एरिया है वो कितना है? सर ये 12 एकड़ पर मुश्तमिल है। 12 एकड़ पे। और ये बताएं कि भाई बाउंड्री वॉल सोसाइटी है? बाउंड्री वॉल सोसाइटी है। सही है। मस्जिद अंदर है, स्कूल अंदर है, मार्केट अंदर बन रही है, कमर्शियल एरिया भी है। कमर्शियल एरिया अवेलेबल है बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने प्लॉट होंगे और उनकी कटिंग का साइज क्या है? सर यहाँ तकरीबन 400+ प्लॉट है। अच्छा। और 80 गज, 60 गज, 120 गज और 40 गज भी अवेलेबल है। ठीक है। यहाँ पहुँचने की जरा लोकेशन है, जरा डिटेल से समझा दें, कोई बंदा अगर आना चाहे तो कैसे आ सकता है? सर ये कुरंगी 2.5 नंबर से अंदर आप आएंगे, फिशरमैन चुरंगी, उससे आप सीधा आएंगे इब्राहिम हैदरी। सही। इब्राहिम हैदरी वाला रोड आप सीधा बिल्कुल पकड़ेंगे तो यही गेट आपको नजर आ जाएगा, ये मेन गेट दिख जाएगा। यहाँ से आपको ये खजूर के दरख्त नजर आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे एंटर होंगे तो राइट हैंड पे इसका बुकिंग ऑफिस भी है। पे पूरे रोड पर इतनी बड़ी खजियां हमारी सोसाइटी में लगी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे एमिनिटीज की अगर बात करें तो क्या क्या होगा सर, और काम क्या क्या काम हो चुका है? सर काम इधर सीवरेज का मुकम्मल हो चुका है। अच्छा। पानी का मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो और काम होना है, इधर गलियों में पेवर ब्लॉक लगेगा। सही। ठीक है। रोड डलना है यहाँ का। सही। ठीक है। और उसके अलावा ये जगह जो है 99 साल लीज है, MDA SBA SBCA के प्रोसेस से गुजर चुकी है। अच्छा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम यहाँ पे सब लीज भी देंगे। ठीक है जी। तो मतलब ये है कि खुदा कोई यहाँ पे घर लेता है, प्लॉट लेता है जी, तो बैंक लोन अप्रूव हो जाएगा? सर जब सब लीज हो जाएगी तो उसके बाद आपको पता बैंक लोन का प्रोसेस वो हो जाता है। अच्छा ठीक है। तो अब ये अब आ जाते हैं इस तरफ, जो ज्यादातर लोगों का सवाल होगा कि भाई ये प्लॉट कितने का मिलेगा यहाँ पे, 40 गज का, 80 गज का, 120 गज का? सर 40 गज का जो प्लॉट है वो 8 लाख रुपए का। अच्छा। 80 गज का जो प्लॉट है वो 16 लाख रुपए का है, और 60 गज का जो प्लॉट है वो 12 लाख रुपए। और उसकी इंस्टॉलमेंट भी हो जाएगी? सर इंस्टॉलमेंट बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे रेट थोड़ा अलग हो जाएगा। हाँ। और वो ऐसा है कि जैसे जो बायर होगा उसकी जो फिसिबिलिटीज होंगी उसके साथ बैठ के 2 साल का हम प्लान बनाएंगे। सही। तो वो डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट वो उससे डिस्कशन होगी, जो वो दे सकेगा उस हिसाब से कि हम भी वो अफोर्ड कर सकें, वो भी वो दे सके, तो फिजिबिलिटी बना लेंगे जब कोई। ठीक है। तो तलाब भाई यहाँ पे कितने प्लॉट सेल हो चुके हैं, और मतलब कहने का मकसद ये है कि कब तक यहाँ पे ऐसा है कि लोग आके रिहाइश, जैसे ये पीछे तो खैर सारी आबादी दिख रही है जी, लेकिन ये जो सोसाइटी के अंदर अभी तक मेरे ख्याल में कोई घर तैयार नहीं हुआ है सर सोसाइटी तो के अंदर। यहाँ पे पोजीशन वगैरह आप फौरन मिल जाएगा? पोजीशन फौरी है बिल्कुल सर, पोजीशन फौरी है, और 100 से ऊपर प्लॉट सेल हो चुके हैं। अच्छा ठीक है। इन्वेस्टरों ने तो ज्यादा उठा लिया, लेकिन 100 से ऊपर वैसे भी प्लॉट सेल हो चुके हैं। इसके अलावा रिहायशी लोग आना शुरू हो चुके हैं, 3 से 4 घर ऐसे हैं जिनका काम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। वो आप सामने देख सकते हैं, वो एक काम स्टार्ट हो रहा है, घर बनना स्टार्ट हो रहा है। इधर आप सामने देख सकते हैं, इधर 1-2 घर बनना स्टार्ट हो रहा है। सही। तो काम स्टार्ट है, आप डाउन पेमेंट करें बेशक और आप घर बनाना स्टार्ट करें। ठीक है। पेवर सही है भाई। यहाँ पर ये भी आप ऑफिस में होते हैं और रिटेल ये राइट में रखे, तो बताइए एक्नोज भी क्या बता रहे थे आप? कह रहा था कि डेवलपमेंट का जो काम है वो तकरीबन 80% हो चुका है। अच्छा। डेवलपमेंट का काम है, स्ट्रीट लाइट्स है, पानी का काम है, सर्विस का काम है। हाँ। और ये पेवर का काम है, आपके सामने काम हो रहा है। सही। तो ये तकरीबन 80% हमारा काम ये हो चुका है। सही। इंशाल्लाह हम इसको 100 पे लेके जाएंगे पहले। अच्छा जी। तो आपके सामने ये पूरी सोसाइटी की आपने विजिट किया, खुद ही आपने देख ही लिया है। सही।
अगर हमारा ये काम 80% हो चुके, जो 20% बाकी है वो भी हम इंशाल्लाह पहले करके देंगे। अच्छा जी जी, तो क्या आपको लगता है कितने अरसे तक ये काम कम्प्लीट हो जाएगा? देखो सबसे पहले तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम किया, जमीन के जो डॉक्यूमेंट्स है ना हाँ। वो क्लियर किए, ये पूरे ब्राहिम हैदरी से लेके जो है ना हमारे लालाबाद तक जो सोसाइटी के बीच में ब्राहिम हैदरी का एरिया लगता है ना, उसमें हमने सबसे पहले किसी ने इतना काम नहीं किया डॉक्यूमेंट्स पे जो हमने काम किया। अच्छा, एमडीए प्रूफ है हमारी सोसाइटी, इसमें आप गूगल में जाएंगे, गूगल की वेबसाइट पे एमडीए लिखेंगे, एमडीए में आरएफ ग्रीन सिटी अप्रूव आई। अच्छा जी, और इससे आपको बैंक लोन भी मिल सकता है। सही है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास पारा के स्कूल है, पेट्रोल पंप है, स्लेटर हाउस है। अच्छा ठीक, बल्ला तेरा बल्ला तेरा बीसीएस का स्कूल है, वो भी हमारे साथ बात चल रही है, चल वो भी यहाँ पे। सही, चले ठीक है, तो भाई बहुत शुक्रिया बात करने का, नंबर में आपका मेंशन कर दूंगा, कोई भी भाई इंटरेस्टेड होगा तो आपसे रब्ता कर लेंगे। चले बहुत